नमस्कार दोस्तों, आप लोग का विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो है सीआई और एसआई दोनों का जो है एक्सरसाइज कंबाइन क्लास में, यहाँ पे जो है हम एक्सरसाइज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जो है बस केवल एक्सरसाइज किया जाएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अमाउंट इज बिकम्स 9 टाइम्स इन 12 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक इसके लिए लगाएंगे हम, इस ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए एन है, ठीक है, एन माइनस वन इंटू 100/t है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा एन होगा वो क्या रहेगा, ये जो गुना है, ठीक है, जितने टाइम्स रहेगा वो हमारा एन रहेगा, तो एन की जगह पे 9 हो गया। अब यहाँ पे गुणे 100 करना है, उसके बाद कितने वर्षों में जो वर्ष दिया है उसको लिखेंगे, 12 वर्ष हो गए बस। अब हमारा अब यहाँ पे 8 हो गया, ये 12 गुणे 100, ठीक है, 2, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये 200 हो गया और ये 3, ठीक है, इसको जब काटेंगे 3 से तो 66 सही यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 66 सही 2/3 यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे 200/3 को, तो यह आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो यहाँ पे जो वार्षिक दर है 66 सही 2/3% है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि यन की जो वैल्यू रखनी है वो हमें जितना गुना हो रहा है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो उसको हमें यन की जगह पे रखना है, उसके बाद जितने टाइम्स दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहले प्रश्न को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, नीचे लिखने में हो सकता ना दिखे तो इसको ऊपर लिख लिया जा रहा है। अब इसके लिए जो है दूसरी ट्रिक जो दी गई है उस पर लगाएंगे इसको, जो दूसरा वाला प्रश्न है उसको दूसरी ट्रिक पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी ट्रिक है उसको देखते हैं क्या है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया। ठीक है, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया जाता तो 196 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि क्या थी? तो इंग्लिश में बात की जाए, आई अमाउंट वॉज गिवेन फॉर 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.6%, यहाँ पे परसेंट रहेगा। इफ इट्स गिवेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.2% देन गेट्स मोर 196 रुपीज़। ठीक है, वाट इज द अमाउंट, मतलब वह राशि क्या है? तो इसके लिए जो है एक ट्रिक हमें लगाना है। यहाँ पे यक्स जो है, यक्स यक्स जो हम अमाउंट एक्स्ट्रा पा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे R1 एक मान लीजिए हमारा जो है यहाँ पे 4.6 हो गया। अब R2 जो है यहाँ पे हमारा 3.2 है। ठीक है, यहाँ पे R2 जो है हमारा 3.2 हो गया, ये दोनों प्रतिशत हो गए। अब यहाँ पे T हमारा कितने समय के लिए, तो यहाँ पे 2 वर्षों की बात चले बस। अब इसी ट्रिक को अप्लाई यहाँ पे करना है, तो यक्स की जगह पे हमें 100 मिल गया, 196 हो गया। ठीक है, 196 गुणे 100। अब यहाँ पे R1 हमारा A है, उसके बाद R2 3.2, इन दोनों का अंतर लिखना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप जैसे डायरेक्टली घटा के यहाँ पे इनको ना लिख के आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इनका जो अंतर आएगा 1/5, जो इस प्रकार से अंतर आएगा 1.4 अंतर आएगा उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जो डिफरेंट आ रहा है उसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है हम इसको लिखेंगे R1 - R2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप समय जो दिया है 2 साल का, समय को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया 1.4 आ गया, 82 आ गया। ठीक है, अब नीचे हम 10 का गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, नीचे हम 10 का गुणा कर ले रहे हैं और ऊपर भी, और ये हमारा अब 2 हो गया गुणे 10। अच्छा, 10 नहीं, 10 तो हमारा 1.4 को बदल दिया 14 में। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे तो ये 14 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे 7 हो जाएगा, टोटल 7,000 रुपये, मतलब वह राशि जो थी वो 7,000, मतलब 7,000 रुपीज़ थी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया है। तो अब अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो अपने अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो अब देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न, जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है। कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो वह धनराशि क्या है? आई अमाउंट इन 2 ईयर्स बिकम सिंपल इंटरेस्ट 900 एंड 4 ईयर्स बिकम्स 1200, व्हाट इज द अमाउंट। ठीक है, तो इसके लिए जो है सिंपल सी बहुत ट्रिक है,
इस पे जो है यहाँ पे जो हम एक बार यक्स लेंगे, यक्स जो हमारा वो पहला अमाउंट है यहाँ पे जो 900 है, इसकी जगह पे यक्स रखेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे 1200 है ये वाई का काम करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो समय दिया गया, एक समय यहाँ पे है एक समय यहाँ पे, दोनों समय का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे T1 T2 है, एक को हम T1 मानेंगे और दूसरे को यहाँ पे हम T2 मानेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो x बराबर आ गया 900 रुपये और दूसरा जो है y बराबर आया है 1200। T1 हो गया हमारा 2 वर्ष, T2 हो गया 4 ईयर्स, ठीक है। अब इसको ट्रिक पे रखते हैं हमारा जो है, तो 900। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि x को ही आगे रखो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो बड़ा हो उसमें से हमें छोटे को घटा के दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 1200 माइनस यहाँ पे 900, ठीक है, बटा, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो समय दिया गया T1 और T2, तो यहाँ पे भी उनका अंतर लिखना है, तो 4 और 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे T1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बस। अब इसको हम हल कर लेंगे आराम से, यहाँ पे 900 हो गया, इसका अंतर जो हो जाएगा 1200 में से जब 900 को घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 150 हो जाएगा, 900 माइनस, अब यहाँ पे ये 300 हो गया, ठीक है, इधर 150 इधर 2 है, तो ये हमारा 600 रुपये, ठीक है। वह राशि जो थी वो 600 रुपये की राशि थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसी ट्रिक को अपना के आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अगले प्रश्न को आप देखेंगे, तो अब जो है इसको हम देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 500 रुपये की एक राशि है निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाता है तो यह राशि कितनी होगी। आई अमाउंट 500 अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 680 इन 2 ईयर्स, ठीक है। वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई 2% देन वाट विल बी अमाउंट। तो अब इसके लिए जो ट्रिक है, यहाँ पे जो अमाउंट है बढ़ रहा है, ये वाला अमाउंट की बात की जा रही है। अब प्रिंसिपल जो हमारा 500 रुपये है इसकी बात की जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2% यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जितना बढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को हमें ध्यान रखना बस, क्योंकि पहले तो एक निश्चित दर थी, मतलब पहले की जो थी वो डिफिनिट थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसको 2% से बढ़ा दिया गया, चाहे कुछ भी रही हो, 10 रही हो तो 12 हो गई है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ रही हो तो उसको हमें लिखना है। उसके बाद कितने समय के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 ईयर्स है उसकी बात की जा रही है। तो इसको इस पे रखते हैं, तो एक ही जगह पे हमारा 680 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब पी है तो 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए, कितना बढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को यहाँ पे रखना है, तो 2% हो गया। अब कितने वर्षों के लिए, तो 2 साल के लिए, उसके बाद 100 करना है, ठीक है। अब इसको इससे काट सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 680 प्लस 5 × 10 = 10 = 20 इधर हो गया, ठीक है, तो 700 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है 700 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अमाउंट जो राशि है वो 700 रुपये की राशि है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को आप देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे जो है हम आप अगले प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसको देखने की कोशिश करेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, यदि किसी राज्य पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो, तथा ब्याज और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे वार्षिक ब्याज पूछता है वो क्या है। तो इसके लिए एकदम सिंपल से ट्रिक है, जो हमारा 4/9 दिया है उसको जो है एक्स और वाई मान के, ठीक है, एक्स बाई वाई करना है, उसके बाद इंटू 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स की जगह पे हमारा 4 है, उसके बाद 9, और 100 जो है रूट के अंदर ही है, ठीक है। तो हमारा 2/3 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, ये 20/3, तो 6/2/3 हमारा प्रतिशत आंसर आ गया, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है इसको करने का, लेकिन जब परीक्षा में आ जाता तो इसमें लोग उलझ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें उलझना नहीं है, इसको आसानी से हल कर लेना, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो अब देखेंगे हम अपने छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा छठा प्रश्न क्या है, 1600 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 9 हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एकदम सिंपल सी ट्रिक है, जो हमारा यहाँ पे डिफरेंट है, जो हमारा यहाँ पे 9 जो डिफरेंट दिया गया है, ठीक है, उसको ऊपर लिखना है, रूट के अंदर हमारा केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। 100 जो है इस बार बाहर है, जो पिछले में था अंदर था इस बार, लेकिन इसको बाहर रखा गया। उसके बाद टोटल जो अमाउंट है ये 1600 उसको लिखना है, ठीक है। तब इसी पे रखना है हमें, तो यहाँ पे 9 हो गया, 1600, उसके बाद रूट के बाहर जो है 100 हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 3/14, क्योंकि जो 1600 है वो 40 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 100 हो गया, अब इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, तो यहाँ पर 30 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। 7 चौक 28 और 2 4, इसको और छोटा कर सकते हैं, तो 7 सही 1/2। यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक दर पूछा है, तो हमारे जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 सही 1/2% आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका भी आंसर आ गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं इस ट्रिक को लगा के, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को हम कैसे करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो 5000 की राशि है 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि जो 5000 रुपये की राशि है वो 8% वार्षिक दर से, अगर आप दोनों जो पढ़ाए गए हैं उसको अगर अलग अलग देखे होंगे तो आप इसको वैसे सिंपली अलग अलग निकाल के आराम से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो। लेकिन आज के कम्पिटेटिव एग्जाम में समय कम बहुत होता है, तो इस वजह जो है हम ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक, अब ये अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट जो है 5000 रुपये का है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 5000 रुपये है, उसके बाद 8 का स्क्वायर करो, उसके बाद 100 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 5000, यहाँ पर 64 हो गया, अभी नीचे 10000 हो गया, ठीक है, नीचे 10000 हो गया, यहाँ से 3 0 इससे कट गए, और 5 यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या है, 64/2, ठीक है। तो ये कट गया, तो 32 हमारा जो आंसर आ गया, 32 रुपये की राशि जो है इन दोनों का जो है डिफरेंट आएगा 5000 रुपये के 8% दर से 2 वर्षों में जो है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा वो 32 रुपये की राशि आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब जो है आप लोग अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी समस्या उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।